भाई जो बाहर आ रही है गांव में, मौका अच्छा है, मज़ा लेना चाहिए। देखो कितनी सुंदर कॉलोनी कट रही है, लाइट जल रही है। इधर हमारा चका के साइड में ये हमारी बड़े भाई की, और इधर चाचा का लड़का रणबीर, इनके सब गिला 140 की चक है यहाँ। चकोर सुद्धो चला गया, इधर भी सुद्धो चला गया, जहाँ में बीच में पेट से चमक रहे वहाँ तक, वहाँ से फिर लेफ्ट को घूम गया। ये चक है सारा, 140 की जमीन है यहाँ। अब देखते हैं कब तक रुक की जाएगी, परमात्मा के हाथ बात है। क्या शानदार आवाज है, मैं इसी दोस्तों पैदल चल गया खेत को। अब भाई ये 5 बजने वाले हैं, गोबर तार का चारा लेकर आओ खेत में से। सीधा खेत में जाएगा ट्रैक्टर, बबलू पूनिया चला रहा है। भाइयों फोर्ड 3600 खड़ा है, गाड़ी खड़ी है, कुबोटा खड़ा है, मैसी गया खेत में। भाइयों इधर दरवाजे से मिला दिया ट्रैक्टर, इधर हमारी चारपाइयां हैं, सामने भी ट्रैक्टर आ गया, इधर भी ट्रैक्टर आ गया। अब मैं भी चलता हूँ खेत की तरफ। भाइयों इस खेत में छोड़ छोड़ लिया, ये 60 इंच में बोया हुआ था हमारा ट्रंच भी दिखा, एक टुकड़ा तो खाली होकर दोबारा बो दिया हमने, दोबारा ही 2 ओवर की पेडी रखी थी, बस 2 ओवर से भी जोत दिया था। ये भाई 3 ओवर सी रखी हमने, ये जुताई कर दी, पर जुताई कर दी, अब उठती किसा टुकड़ा हो रहा है, वहाँ चल जाएंगे ट्रोली, साथ कल नहीं मट जाएगा। ये छोटा नंबर है उसके मुकाबले, इसे मेरे ख्याल में 2 और 2 4 6 ट्रोली हो पाऊंगी मुश्किल से। दिखे भी ये थोड़ा ही टुकड़ा, बाद में बताऊंगा मैं नाप कैसे। बबलू आया है घोड़े लेने के लिए, गोबर तार का घोड़े लेके जाएगा छोल में से। भाइयों देखो इसमें गेहूं जमी है, और 2-4 दिन में बहुत बड़े चमक जाएंगे, चमक रहे खूब इसमें, कैमरे का तो मुझे पता नहीं, वैसे चमक रहे हैं खूब, बहुत अच्छे जम रहे हैं भाइयों। ये अंकित भाई ने कई दिन पहले बोल दिए थे हमसे, बहुत सुंदर जम गए इसके, बहुत सोने जम रहे गेहूँ। भाइयों इसमें हमें गेहूँ बोने हैं, एक हमारे मित्र हैं रामपुर से दानिश खान, उन भाई का आज मैसेज आया था, उन्होंने गेहूँ कोर दे दी, पहला पानी भी दे दिया, बहुत अच्छे गेहूँ खड़े हैं, उन्होंने फोटो भेजी उनके। भाई हम वहाँ इतने गेहूँ बो देते हैं, हमारे यहाँ तो अभी बोए जाएंगे, देखो क्या करें, गन्ना जब जाएगा जब तक बोए जाएंगे, गन्ना नहीं खाली होगा तो कैसे बोगा किसान। भाइयों ये 35 बीज है हमारा, देखो कितना अच्छा खड़ा है, ये 12 अप्रैल का बोया हुआ है, उस पर गेहूँ का रखा, किसी भाई को बीज चाहिए तो हम दे देंगे, कोई बात नहीं है। भाइयों देखो पत्ती जोतने कितना फायदा है, खाद नहीं डालनी पड़ती इसमें भी, हमने पिछले साल जो थी पत्ती जोती थी भाइयों, इन सभी में पत्ती जोती हुई है, फिर गेहूँ करते हैं, गेहूँ के बाद में फिर गन्ना करते हैं, जो फागण गए घोड़ा उनमें पत्ती जोत देते हैं हम तो। भाइयों दिन छिप गया, मैं घर की तरफ चलता हूँ। ये भाइयों हमारा 38 खड़ा इस साइड में, इधर सड़क आ गई, इधर राइट साइड में कॉलोनी कट रही। भाइयों देखो क्या जबरदस्त कॉलोनी कट रही है, भाइयों देख रहे हो ट्रांसफार्मर भी लग गया, लाइन खींच गई, 1-2 प्लॉट बनने भी लगे, ढाल ढाल सब बन जाएंगे, बिक तो गए हैं भाइयों सारे फटाफट ये। भाइयों मैं अपने खेत के मेन रास्ते पर आ गया, ये देखिए इधर बबलू खाद डाल रहा है, ये गन्ने खड़े हैं अभी इस खेत में, इधर पता लगेगा छुलने के बाद ही बताऊंगा मैं क्या हो सकता है।
भाई ये देखो ठेकेदार छोड़ रहे हैं यहाँ, इधर गन्ना अच्छा निकल रहा है वैसे, इसका पता लगेगा बाद में कितना नंबर है, नापेंगे विषय ये नापा नहीं हमने। बबलू ने खाद तार लिया, अब चलते हैं भाइयों। हम जो ताज़ा गेट देते हैं कोई नुकसान नहीं देता, कह देना सड़ाओ कोई जरूरत नहीं है। जो खाद का जो रस होता है ना अरक, वो जमीन में अलग अलग काम आता है तो वो ज़्यादा असर दिखाता है, कोई दिमाग नहीं लगती। हम तो ऐसे डाल देते हैं खेत में जब खेत खाली होता है, हमें तो कोई नुकसान लगा नहीं, हमें तो फ़ायदा लगा उसका। जो भाइयों खत्ते में डालते हैं तो उसका जो जूस है वो खत्ता पी जा, सूखा खाद मिलता है खेतों में, ये बिल्कुल तरोताज़ा है, इसका अरक भी इसमें जाएगा खेत में, ज़्यादा असर दिखाता है, हमने जो तजुर्बा किया है। कच्चा उच्चा कुछ नहीं होता, हमने एक बार आड़ू के खेत में एक बुग्गी डाल दी थी ऐसे कच्चे गोबर की, वो ऐसे जो देता रोटावेटर से वो फैला भी नहीं था, उसमें एक किलो का आड़ू होता, इतना मोटा आड़ू निकला था उस ठेक में, बहुत तगड़ा लांगा पड़ा था। तो तजुर्बा है, खाद तो खाद ही है, जब पड़ जाए जब भी असर दिखाता है भाइयों। भाइयों मैं घर की तरफ चलता हूँ, ये पौधा हमारा इधर 35, इसके में आधम में पर है 38। भाइयों इस कॉलोनी को एक साल नहीं हुआ भी, ये 16.5 लाख रुपए बीघा जमीन खरीदी गई थी किसान से, इसके बाद में एक थी वो 13.5 ली गई थी, तीसरा बैनम हुआ, तीसरा जो प्लॉट खरीदा गया वो 42 लाख रुपए बीघा, और चौथी यहाँ अभी किसी की 2 बीघे ली है वो 65 लाख को ली गई है, 65 लाख रुपए बीघा, मतलब 1000 गज 65 लाख में। ज़मीन के रेट बढ़ते जा रहे हैं भाइयों, आग क्या होगा वो तो राम जाने। भाइयों हमारा चक है साइड में, इसे तभी रोक कर रखेंगे हम जब तक भी रुकेगा, जब तक खींचेगी खींचेंगे, क्योंकि कॉलोनी कटने से बाहर आने लगी, 2-4 साल जितनी भी खींचेंगे खींचेंगे अभी तक। भाइयों बाहर आ रही है गांव में, मौका अच्छा है, मज़ा लेना चाहिए। देखो कितनी सुंदर कॉलोनी कट रही है, लाइट जल रही है, इधर हमारा चका के साइड में ये हमारी बड़े भाई की, और इधर चाचा का लड़का रणबीर, इनके सब के लगा 140 बीघे की चक है यहाँ, चकोर शुद्ध चला गया, इधर भी शुद्ध चला गया, जहाँ में बीच में पेट से चमक रहे वहाँ तक, वहाँ से फिर लेफ्ट को घूम गया, ये चक है सारा 140 बीघे जमीन है यहाँ। अब देखते हैं कब तक रुक की जाएगी, परमात्मा के हाथ बात है। भाई ये दिन छिप गया, हम मैं घर की तरफ जा रहा हूँ, लाइट जल गई है गांव में। चलो भाई देखो उन्ना खड़ा, उन्ना भी है, चल चल चल, किरक में जा रहा है, अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया लगा।